वो तप क्या है कि जैसे वाणी तप, वाणी का तप, जैसे सत कहना, सत कहने में जो कठिनाई आवे, चाहे कोई राजी रहे, चाहे कोई रुष्ट होए, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई सिर फोड़े, जो तत्व ज्ञान कहे, तो सच्चा ज्ञान प्रचार करने में जो भी कष्ट सहन करना पड़ता है वो तप है। दान करने में जो कष्ट सहन करना पड़ता है, जैसे कोई तो जैसे किसी की पत्नी ने नाम ले रखा है तो पति राजी नहीं, दान करने में दो पैसे दान करना चाहे है तो वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ छो मावे को कुछ कहे, और जिसको समझ में आ गया वो उल्टा हट नहीं सकता। ऐसे ही किसी की पत्नी ने ज्ञान नहीं है तो पति दान करना चाहता है तो वो ना नुकर करती रहती है। तो ऐसे जो भी उस मार्ग में हमने कष्ट उठाना पड़ता है जो आता है, तो वो तप है वास्तविक। वो जंगल में जाकर बैठ जाने से तप नहीं। जैसे हम सत्संग में आते हैं कि तो पैदल भी चलना पड़ जा, बसों में भी धक्कम धक्का, गर्मी में भी दुख पावे, तो वो परमात्मा के जो प्रयत्न में, प्राप्ति के प्रयत्न में, यानी अर्थात सत्संग तक पहुंचने में जो क्रियाएं हम करते हैं, स्वाभाविक क्रियाएं जो, उनमें जो तप होता है उसके विषय में इस तप को कहा, ना कि कठोर तप। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तप, ये वही है धर्म पालन के लिए, अपने अपनी मर्यादा को भंग ना होने के लिए जो कष्ट सहन करना, उसको तप कहते हैं।